हे हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया और नेस्टहरी ऑफ फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि आजकल कमर्शियल फीड जो हमारी कंपनी वाले फीड है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा आपको महंगा पड़ रहा है। आपको मछली पालन में बहुत ज़्यादा पैसे मछली के खाने में लगाना पड़ता है और आजकल उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो अगर आप मछली पालन को सस्ते में करना चाहते हैं तो आपको सरसों खली के बारे में, जिसको हम लोग मस्टर्ड ऑयल के कहते हैं, उसका उपयोग सही तरीका से करना आना चाहिए। देखिए, मस्टर्ड ऑयल केक भी लगभग आपको 30 रुपये किलो पड़ती है, लेकिन आपके कमर्शियल फिट के मुकाबले इसका प्राइस कम है। तो अगर आप सरसों खली को सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपको मछली पालन में ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, मछली पालन में सरसों खली को हम लोग 2 से 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जब हम लोग तालाब की तैयारी करते हैं उस समय भी हम लोग सरसों खली तालाब में डालते हैं। हम लोग बच्चा डालने के बाद भी सरसों खली को प्रयोग करते हैं और नर्सरी तालाब में भी सरसों खली का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। सबसे पहले तालाब की तैयारी के दौरान जब हम लोग तालाब का फर्मेंटेशन करते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिसमें हम लोग गोबर, DAP, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट इन सभी का प्रयोग करते हैं। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहते तो आप मस्टर्ड ऑयल केक पर एकड़ लगभग 25 किलो मस्टर्ड ऑयल केक पर एकड़ लगभग आपको 15 किलो आपका राइस ब्रैन, उसके साथ आपको 10 किलो DAP, 5 किलो यूरिया और उसमें 250 ग्राम आप उसमें अच्छी कंपनी का प्रोबायोटिक्स और 5 किलो गुड़, इन सभी को आप घोल बना करके आप 2 से 3 दिनों तक सड़ा करके आप जब उस घोल को तालाब में प्रयोग करेंगे वो भी फर्टिलाइजर के रूप में तालाब में प्रयोग होता है और वो भी प्लैंकटन बनाने में आपकी मदद करती है। इसी वजह से बहुत जगह जो गोबर का प्रयोग नहीं करना चाहते वो सरसों खली और राइस ब्रैन को आपकी फर्टिलाइजर के रूप में उसका उसमें प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें भी अच्छी मात्रा में जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स है ये उपस्थित होती है और वो सड़ करके तालाब की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है और प्लैंकटन के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स के रूप में हम लोग तालाब में सड़ा करके इसको डाल सकते हैं। दूसरी बात, जो पालक नर्सरी पालन करते हैं, बच्चे तैयार करते हैं, वो मोस्टली या उनके पास अगर ज़्यादा पैसा है तो वो जो मेस्ट साइज बहुत फाइन पाउडर के रूप में जो कंपनी वाले फीड आती है जिसको हम लोग प्री स्टार्टर बोलते हैं उसका प्रयोग वो करते हैं। लेकिन जिनके पास कंपनी वाला खाना खिलाने के पैसे नहीं है, क्योंकि प्री स्टार्टर फीड में वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन लेवल लगभग 38 से 40% तक उपस्थित होता है, तो जो किसान इस खाना को नहीं खरीद पाते वो सरसों खली को घोल बना करके, है ना, शाम को भिगा दिए और रात भर भीग गया, फिर सुबह जितना भी टाइम वो फीडिंग कराते हैं उसको वो घोल बना करके, है ना, बढ़िया से चिपचिपा घोल बना करके वो तालाब में उसको डालते हैं। उससे आपकी, क्योंकि नर्सरी तालाब में आपकी मछलियों को पाउडर के रूप में खाना प्रोवाइड किया जाता है और सरसों खली को एज अ प्रोटीन सोर्स के रूप में हम लोग नर्सरी तालाब में डालते हैं। सरसों खली में दोस्तों प्रोटीन लेवल लगभग आपकी 32% तक रहती है, लिपिड लगभग 23%, कार्बोहाइड्रेट लगभग 21%, तो मोटा मोटी देखा जाए तो प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत अच्छी मात्रा में होती है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें अच्छी मात्रा में होती है। तो ये एक बैलेंस फूड के रूप में हम लोग नर्सरी पालन जब हम लोग बच्चे तैयार करते हैं उसमें हम लोग खाने के रूप में सरसों खली का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा। दूसरी बात, जब आप ग्रो आउट कल्चर भी करते हैं, मतलब बड़े मछली को जब आप तैयार करते हैं वहां पर भी आप सरसों खली का प्रयोग करते हैं। सरसों खली का यहाँ हम लोग प्रयोग करते हैं दूसरे फीड के साथ, जैसे आपका राइस ब्रैन हो गया, आपका मक्के का आटा हो गया, गेहूं का आटा हो गया। बहुत जगह तो अगर ग्रास कार्प पालन करते हैं तो सरसों खली और थोड़ी मात्रा में राइस ब्रैन उसके साथ पत्ता गोभी, उसको भी मिला करके हम लोग अपने ग्रास कार्प मछली को खिलाते हैं, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल केक आपके छोटे मछलियों के साथ साथ बड़े मछलियों के लिए भी उतना ही लाभकारी है और ये आसानी से हमारे गांव देहात में मिल जाता है। कमर्शियल फीड मंगाने के लिए आपको कंपनी को एडवांस पैसा देना पड़ता है, तब जाकर के आपको आपके फार्म पर कंपनी वाले फीड आती है।
लेकिन सरसों खली आपके आसपास के एरिया में आसानी से उपलब्ध होती है और बहुत कम प्राइस में भी लोग थोक में अगर खरीदते हैं तो कम प्राइस में भी ये आपको अवेलेबल हो जाता है। तो इस वजह से सरसों खली का मछली पालन में उपयोग बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है और आपको जितना ज़्यादा सरसों खली के बारे में नॉलेज होगा उसको और अच्छे तरीके से आप अपने फार्म में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो छोटा है लेकिन जितना मुझको नॉलेज है सरसों खली के बारे में मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाई, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।